मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहां? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कानून के शिकंजे से छुड़ाना है, जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है, हमारी नहीं। जानता हूं, मगर रद्द कर दी है जमानत कोर्ट ने, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। हम अभी तक नहीं भूले महाकाल कि जिस अर्जुन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों, वो दरअसल बेकसूर था। उसकी मां और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को मिली, और जाती तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला, हम अर्जुन को सजा दिलवा चुके थे, और अर्जुन की बेगुनाही का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास, और जो सबूत नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वो सबूत भी खत्म कर दिए, और अब महाकाल तुम्हारे बेटे को कानून के लंबे और चौड़े हाथ, वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, खींच लाएंगे। इसका मतलब आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे? छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल। अफसोस, फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुम्हारी झंझट से। इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण प्रसाद? महाकाल से दुश्मनी और अंजाम एक भयानक तूफान। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समुंदर डूब जाते हैं। कृष्ण प्रसाद, सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है वो कर दिखाता है। अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे, तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। याद रखो कृष्ण प्रसाद, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौत देगा ही। किसके पंजे से किसकी मौत होगी और किसकी अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बाद ही होगा। कृष्ण प्रसाद, योर ऑनर, यह सच है कि मेरे मुवक्किल रॉकी वर्मा ने जाली पासपोर्ट बनवाकर हिंदुस्तान से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि इन्होंने नीलम का खून भी किया। इन्हें महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। योर ऑनर, कुछ वकील साहबान को बेतुकी बातें करके अदालत का कीमती वक्त जाया करने की आदत होती है। ये बात ना तो अदालत ही को पसंद है और ना हमें। योर ऑनर, मिस नीलम का कत्ल राखी वर्मा के हाथों से ही हुआ है। इसका एक मुकम्मल सबूत हमारे पास है, जिसे जाहिर करने के लिए हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि यहां कुछ देर के लिए अंधेरा कर दिया जाए। ठीक है, इजाजत है। योर ऑनर, नीलम को खत्म करने के लिए रॉकी वर्मा ने अपने हाथों पिस्तौल लेकर उसका पीछा किया। नीलम भागती हुई एक मछलियों की दुकान में घुस गई।
जहां उसने अपने ही कैमरे से राखी वर्मा की एक फिल्म खींची। नीलम ये सोचकर कि राखी वर्मा दूसरी तरफ चला गया है, छुप के बाहर निकली और उसी वक्त बाहर खड़े हुए रॉकी वर्मा ने अपने पिस्तौल से नीलम के सीने को छलनी कर दिया और वहां से वो सारे सबूत उठवा लिए। योर ऑनर, ये वीडियो फिल्म नीलम के इस कैमरे से उतरी। कुदरत का खेल देखिए, मरते वक्त जहां ये कैमरा गिरा वो मुल्जिम ने तो नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने देखा। इस मुल्जिम ने वो सब सबूत तो जला दिए जो आज अर्जुन को निर्दोष साबित कर सकते थे, मगर कुदरत के तमाशे ने ये सबूत ऐसा जिंदा रखा जो रॉकी वर्मा को फांसी के तख्ते तक ले जाएगा। दैट इज ऑल योर ऑनर, दैट इज ऑल। रॉकी वर्मा की नकली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान छोड़ने की कोशिश, इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद की गवाही और नीलम के खून की यह वीडियो फिल्म, इन बातों का ठोस सबूत है कि रॉकी वर्मा ने नीलम का पीछा किया और उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए अदालत ताजीरात हिंद जेरे दफा 302 के मुताबिक रॉकी वर्मा को फांसी की सजा सुनाती है। हैंग टिल डेथ। इस तरह महाकाल का बेटा रॉकी अपने ही कर्मों का फल पाकर एक दिन फांसी पर लटका दिया गया। उसी दिन की बात है, हम अपने दोस्त की शमशान यात्रा में शमशान गए थे। कृष्ण प्रसाद, अच्छा हुआ तुम्हें ही मिल गए। कृष्ण प्रसाद, अब जरा जलती हुई चिता के शोलों को गौर से देखो, जो चीख चीख कर मुझसे मेरे बेटे की मौत का इंतकाम मांग रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो मरना नहीं, जीना है। अब कोई नहीं जिएगा कृष्ण प्रसाद, कोई नहीं। तुम्हारी जिद और तुम्हारे अहंकार की आग ने सब कुछ जला दिया है। कानून करे भी तो क्या करे, जो दूसरों के खून को पानी समझ के बहाता है वो अपने गंदे कर्मों की आग में इसी तरह जल जाता है महाकाल। मगर ये चलने वाला कोई और नहीं, महाकाल का इकलौता बेटा था जो अपने चिता की लकड़ियों के साथ कई और चिताएं जला कर जाएगा। गौर से देख, गौर से देख उन तीन चिताओं, मैंने तेरे खानदान के लिए तैयार की है। मैंने कसम खाई है अपने बेटे की चिता की आग ठंडी होने से पहले तेरे सारे खानदान की चिताएं इसी शमशान घाट में जलवाऊंगा। कृष्ण प्रसाद, यहां से तुम्हारे घर का फासला सिर्फ 30 मिनट का है। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे सारे परिवार की मौत तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। अगर बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। भाभी, आप तैयार है ना? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुन्ना तैयार हो रहा है, कोर्ट से उनका फोन आया था, वो किसी वकील के शमशान यात्रा में गए हैं, उनके आते ही हम लोग चले चलेंगे। भाभी तो एक काम कीजिए ना, मेरे लिए एक गर्मा गर्म कप चाय बना दीजिए, मैं अभी नहा के तैयार होकर आता हूँ। जाओ। थैंक यू भाभी। ज्वाला जी घर पे हैं? उनसे केस के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। हाँ है, जाइए अंदर। ज्वाला साहब अंदर हैं? हाँ है, आइए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। Thank you.
मम्मी मैं तैयार हूँ, आप नीचे आ जाओ। वो लोग कौन थे साहब? कोई पुलिस वाले और वकील थे। पुलिस वाले वकील थे? इस तरह हमारे तन मन के टुकड़े हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। ना हम रो सके और ना ही हम टूट सके। इंतकाम के जलते हुए शोले और उन दरिंदों की मौत का मकसद अपने सीने में लिए हम आज तक जी रहे हैं। और जब उन हथियारों का असली रूप हमारे सामने आया तो तुम्हें दिलवाई हुई सजा हमें हमारा एक भयानक जुर्म लगा। नीलम को मारकर उन्होंने तुम्हारी बेगुनाही के सबूत तो मिटा दिए, मगर तुम्हारी ताकत और नफरत से घबरा गए और इसलिए तुम्हें जेल से बाहर लाकर खत्म कर देना चाहते थे। क्या? जब हमें ये खबर मिली तो तुम्हें बचाकर हम यहां ले आए, जिसे हमने अपनी भूल का प्रायश्चित समझा। तुम्हारे बाद उनका निशाना थी संगीता, हमने वो निशाना भी नाकाम कर दिया। और ये नहीं अर्जुन, उस रात जिस पायलट ने तुम पर जानलेवा हमला किया था वो भी महाकाल का आदमी था। अगर हम वक्त पर गोली न चलाते तो अपने आप को हम जिंदगी भर मुआफ नहीं कर पाते। मैं आपको कितना गलत समझ बैठा, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन, संगीता, सीने पे इतना बोझ लिए कैसे जीते आप? सिर्फ उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए। अर्जुन, तुम्हारे सीने में बदले की आग और हमारी छाती में इंतकाम का तूफान। तुम्हारे पास ताकत है, हमारे पास ताकत और दिमाग दोनों। हम दोनों मिलकर चाहें तो उन पापियों से युद्ध लड़ सकते हैं जैसे कृष्ण अर्जुन ने कौरवों से युद्ध लड़ा था। हम वो कृष्ण अर्जुन तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्हीं की तरह हम अपने जीवन की महाभारत का ये युद्ध इस कलयुग में लड़ सकते हैं। वहां कौरवों का खात्मा हुआ था और यहां यहां कातिलों का खात्मा होगा, और इंतकाम की इस जंग में ये अर्जुन मरते दम तक आपके साथ रहेगा।